बात देश की हो या विदेश की, समाज की हो या फिर विकास की, अपराध की हो या अपराधी की, चाहे हो राजनीतिक पहलुओं को छूता हुआ कोई ज्वलंत मुद्दा या फिर ग्लैमर की चकाचौंध में डूबी हुई हमारी फिल्मों की, हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप मुझे देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज पर। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आजमगढ़ जिले से एक बड़ी खबर, जी हां, आपको बता दें कि कोटेदार व ग्राम प्रधान की मनमाने से त्रस्त ग्रामीणों का सब्र का आज बांध टूट गया। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आजमगढ़ जिले के महाराजगंज उसूल कुड़वा का है, दूसरी तस्वीर कप्तानगंज के ग्राम चरवा चालाकपुर का है। जी आपको बता दें कि इन दोनों गांवों में कोटेदार और ग्राम प्रधान की मनमानी से त्रस्त ग्रामीणों के सब्र का बांध आज टूट गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने आजमगढ़ डीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कोटेदार पर खाद्यान्न न देने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव का कोटेदार और प्रधान मिलीभगत करके ग्रामीणों के हक पे डाका डाल रहा है, पात्रों के बजाय अपात्रों को सरकारी सस्ते गल्ले का लाभ दिया जा रहा है, जबकि जो पात्र हैं उन्हें तेल तक नसीब नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधान चुनावी रंजिश को लेकर ग्रामीणों के साथ भेदभाव करता है, वह सरकारी आवास शौचालय योजना में उनका नाम नहीं डालता। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने मामले की जाँच करा कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, तब जाकर ग्रामीण वापस लौटे। मेरा नाम पवन निषाद, मैं अम्बेडकर नगर अखबार नारायणपुर थाना जहांगीरगंज का रहने वाला हूँ। मैं डिप्लोमा इंजीनियर हूँ और मेरी समस्या ये है कि जिस गांव की ये समस्या, उस गांव में हमारी बुआ का घर है। अब गांव में रिश्तेदारी में आए तो लोगों ने बताया कि जो है कोटेदार हमको राशन नहीं देते हैं, और राशन देने के बजाय जो भी राशन देते उसमें जो उनके यहाँ से 100 रुपये का 30 तो यहाँ 20 किलो होता है। और उसके बाद जो ग्राम प्रधान रणविजय यादव ने बताया कि हम गांव की महिलाओं का, अगर निषादों की महिलाओं का मुंह देखते तो हमारा दिन पूरा खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं जातिवाद करते हैं और गाने पर वो जातिवाद, खुलेआम जातिवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है। इसलिए हम मान लीजिए कि ये अपील करते हैं कि हमारी सूचना जो है मुख्यमंत्री साहब के पास पहुँचाई जाए और हमारे जो भी मांगे क्या आपकी मांगे क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि सभी को राशन और मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा मिलना चाहिए। एक आदमी के पास 5 लोगों का नाम है, यूनिट मिलनी चाहिए, लैट्रिन आवास जो है लैट्रिन आवास सबको मिलना चाहिए। और हमारी क्या प्रधान कोटेदार की मिली भगत चलता है, क्या प्रधान और कोटेदार की मिली भगत खुलेआम चलती है? और महिलाओं के साथ महिलाओं के साथ उन्होंने ये पेश करते हैं कि हम महिलाओं निषादों की महिलाओं और महिलाओं का मुख देखते हैं तो हमारा दिन पूरा खराब हो जाता है, और आप लोग हमारे मुख दिखाने मत आइएगा। और ये सीधे बोलते हैं कभी निषाद बस्ती में आए नहीं, और जब से जीते हुए हैं तब से निषाद बस्ती में आए नहीं। हमारी ये बात है कि पिछले 3 वर्ष पहले जो है गाँव में 90 लैट्रिन आई हुई थी। उस समय प्रधान है आशा देवी थी, पुत्र वधु मोदी यादव, जिन्होंने जो है गांव में 90 लैट्रिन में से एक भी लैट्रिन का निर्माण नहीं कराया। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का अभियान चलता है, और ये बातें अभियान के लिए जो है पूरा कागज बनकर रह जाएंगी। हमें नहीं लगता इनका वादा पूरा करेंगे। प्रधान जी ने 90 की प्रधान आशा देवी और जो है सेक्रेटरी रविन्द्र प्रसाद यादव जी ने 3 साल पहले इसका घोटाला कर लिया है 8.5 लाख रुपये का। ये उस समय इसकी कीमत थी 9,000 रुपये। अतः श्रीमान जी से ये निवेदन है कि ये 8,10,000 का मामला है, ये छोटा घोटाला नहीं है। इस मामले की जांच करें और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। दोनों नहीं धरने के बद होंगे जो है। क्या इन दोनों समस्याओं से आपने डीएम साहब को अवगत कराया? जी, हम इस समस्याओं को लेकर डीएम साहब के पास अभी जा रहे हैं। हमें डीएम साहब को अवगत कराएंगे हम समस्या, और मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी को भी अवगत कराएंगे हम, थानेदार महाराजगंज को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास हम गुहार लगाने के लिए, अगर यहाँ से ही कुछ नई कार्रवाई होती हम सीधे लखनऊ जाएंगे। ठीक, क्या नाम है? क्या मामला है? सबका नाम कटवा दिया है, राशन वाली लिस्ट, राशन कार्ड है, नया नाम है, दूसरे पर कहता हूँ प्रधान का, प्रधान कहता फोटेदार जाने।
समस्या क्या है? वही समस्या है ना, हम लोग का आना चाहिए और क्या नाम है, जितने भी शौचालय है, जितने भी आवास अपने पात्रों को दे रहा है, अपने अपने आदमियों को, किसी भी पात्र को नहीं मिला। गाँव में जाकर देखिए चुनावी रंजित, हाँ कुछ कुछ ऐसी रंजित क्या सोचते उन्होंने जाँच के लिए बोला आप क्या और क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए। रमेश चंद तिवारी, आज आपको धरना पर क्या मामला है? इस मामला है कि जो हमारे जो हमारे जो कोटेदार लोग महोदय हैं, वो जो है घोर अनियमितता का प्रकट कर रहे हैं। ऐसा है कि जिन जो पात्र हैं उनको राशन नहीं दिया जा रहा है, और जो उनके चुनाव में जो उनके चुनाव में जो उनको वोट नहीं दिए हैं उनका चुन चुन करके नाम राशन कार्ड से कटवा रहे हैं। चाहे वो पात्र है चाहे अपात्र, केवल अपनी चुनावी मुद्दा लेकर के हम लोगों को इतना डर, नहीं एक शौचालय दे रहे हैं, न किसी प्रकार का जो कोई भी जो सरकार के द्वारा जो सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं हमको बिल्कुल दे नहीं रहे। डी एम साहब ने कहा है कि हम इसकी उचित जाँच करेंगे, हम तो चाहते हैं कि इसकी उचित जाँच की जाए और जो है दोषियों को जो दंडित किया। आजमगढ़ से CIB इंडिया न्यूज़ के लिए अंकित सिंह की रिपोर्ट।